हिमाचल, ये द्वार है भारत की सबसे खूबसूरत जगह घूमने के लिए, और खासकर तब जब गर्मियों में पूरा भारत गर्मी से झुलस रहा होता है, आपको हिमाचल में दो पल ठंड के जरूर मिल जाएंगे। हिमाचल भारत का वो खूबसूरत हिस्सा है जहाँ पे सभी ट्रैवलर्स के लिए कुछ ना कुछ जरूर है। अगर आप हैं फूड और कल्चर लवर तो आपके लिए हिमाचल तो परफेक्ट डेस्टिनेशन है ही, और अगर आपको पसंद है नेचर तो हिमाचल से बेहतर तो क्या ही होगा। हम अक्सर आपको हिमाचल की अनदेखी और खूबसूरत जगहों के सफर पे लेके चलते हैं, और इस वीडियो में भी आज हम आपको डलहौजी के सफर पे लेके चलेंगे जो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और ये ना सिर्फ हिमाचल बल्कि भारत के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशंस की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। डलहौजी के बारे में ये कहा जाता है कि जो मन की शांति आपको यहाँ मिलेगी वो शायद ही आपको कहीं और मिल पाए, और इस बात का पता इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अपने जीवन काल में महान व्यक्ति जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी और सुभाष चंद्र बोस जी ने भी कुछ वक्त यहाँ अपने जीवन का बिताया था। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस डलहौजी के खूबसूरत सफर में हमारे साथ, और इस वीडियो में वर्चुअल टूर के साथ साथ हम आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देंगे कि आप यहाँ कैसे आ सकते हैं, यहाँ कहाँ रुक सकते हैं, यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम क्या है, और आप यहाँ पे क्या क्या घूम सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। डलहौजी हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और यहाँ आने के लिए आपको बहुत से रास्ते मिल जाएंगे। अगर आप दिल्ली से डलहौजी आने का सोच रहे हैं तो दिल्ली से डलहौजी लगभग 570 किलोमीटर के आसपास है। दिल्ली ISBT कश्मीरी गेट से आपको दिल्ली से डलहौजी तक की डायरेक्ट गवर्नमेंट बस मिल जाएगी, जिसको आप HRTC की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। और अगर आप बाय एयर ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप दिल्ली से अमृतसर या फिर धर्मशाला गगल एयरपोर्ट की फ्लाइट ले सकते हैं, और वहां से आपको कैब डलहौजी तक मिल जाएगी, या फिर आप धर्मशाला से पहले शाहपुर तक बस ले सकते हैं और फिर शाहपुर से वाई जोत होके डलहौजी विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रिप थोड़ा लंबा प्लान कर रहे हैं तो आप दिल्ली से पहले अमृतसर के लिए ट्रैवल कर सकते हैं। वहाँ पे गोल्डन टेंपल, वाघा बॉर्डर और वहाँ की फेमस जगहें घूमने के बाद आप वहाँ से कैब लेके डलहौजी आ सकते हैं, वो आपको सबसे बेहतर रहेगा। पर अगर आप डलहौजी का ट्रिप अपनी गाड़ी में प्लान कर रहे हैं तो आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि डलहौजी और चंबा के रोड थोड़े ज़्यादा खतरनाक हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत ही केयरफुली ड्राइव करना होगा। और अगर आपको हिल में ड्राइव करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे ड्राइवर को हायर करके उसकी कैब में घूम सकते हैं। तो अगर आप बात कर लें कि यहाँ को विजिट करने का बेस्ट टाइम क्या है, हमने पर्सनली ये ट्रिप अगस्त मंथ में प्लान किया था क्योंकि उस टाइम बारिशें भी नहीं थी और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी, तो हमारा ट्रिप बहुत ही अच्छा हो गया। लेकिन अगर आप अभी प्लान करेंगे तो आप ज़रूर वेदर फोरकास्ट को चेक कर लें, क्योंकि बारिशों में यहाँ पे रोड अक्सर थोड़े ख़राब हो जाते हैं। मंडी से 8 घंटे के सफ़र के बाद हम लोग फाइनली डलहौजी पहुँच गए, और डलहौजी पहुँच के सबसे पहला काम जो हमने किया वो यहाँ पे होटल ढूँढने का किया। आप भी अगर डलहौजी का ट्रिप प्लान करें तो होटल को प्री बुक ही कर लें, और वहाँ पे पार्किंग की अवेलेबिलिटी ज़रूर पूछ लें, क्योंकि डलहौजी बहुत ही पतला है तो यहाँ के रोड पे आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगा और पार्किंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो अगर आपके होटल में पार्किंग होगी तो आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। डलहौजी में वैसे आपको सभी होटल्स में पार्किंग की फैसिलिटी लगभग मिल ही जाती है, लेकिन फिर भी आप बुकिंग करने से पहले उन्हें कॉल करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग डलहौजी का माल रोड घूमने के लिए निकल गए। डलहौजी का माल रोड बहुत ही खूबसूरत जगह है और यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आने वाला है। यहाँ पे आपको ब्रिटिश आर्किटेक्ट में बनाए गए कैफेज और बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी जो इस जगह को और खूबसूरत बना देती है। ऑथेंटिक आर्किटेक्चर के साथ साथ यहाँ का खाना भी लाजवाब है। यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार स्ट्रीट फूड और अलग अलग तरह की स्वीट्स खाने को मिलेगी, और उसके अलावा आप यहाँ पे हॉर्स राइडिंग और छोटी मोटी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। डलहौजी माल रोड घूमने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटे का वक्त लग जाएगा, और डलहौजी माल रोड में ही आपको थोड़ा आगे एक व्यू पॉइंट देखने को मिलेगा
जहां से आपको पूरे डलहौजी टाउन के बहुत ही शानदार नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। डलहौजी माल रोड घूमने के बाद आप यहां का सेंट जॉन चर्च कवर कर सकते हैं। सेंट जॉर्ज चर्च 1863 में बनाया गया था और ये डलहौजी का सबसे पहला और पुराना चर्च है। गांधी चौक में लोकेटेड सेंट जॉन चर्च यहाँ की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। तो अगर आप डलहौजी का ट्रिप प्लान करें तो इसको अपनी विशलिस्ट में ज़रूर रखें और साथ ही यहाँ पे आप बहुत सी इंस्टाग्राम वर्दी पिक्चर्स भी ले सकते हैं। सेंट जॉन चर्च कवर करने के बाद आप यहाँ की फेमस इंडो तिब्बतन मार्केट कवर कर सकते हैं, जहाँ पे आपको बहुत सी अलग अलग तरह की शॉपिंग करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। आप यहाँ पे लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, तिब्बतन आर्टिफैक्ट्स और बहुत सी अलग तरह की शॉल्स वगैरह खरीद सकते हैं। गांधी चौक में डलहौजी माल रोड, सेंट जॉन चर्च और इंडो तिब्बतन मार्केट घूमने के बाद आप लोग सुभाष चौक की तरफ जा सकते हैं। गांधी चौक से सुभाष चौक लगभग 20 से 25 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो हमारा आपको सजेशन है कि आप इस डिस्टेंस को वॉक करके ही करें, क्योंकि अगर आप गाड़ी का यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे ट्रैफिक जाम में ज़रूर फंस जाएंगे। सुभाष चौक पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले यहाँ का सेंट फ्रांसिस चर्च घूमा, जो डलहौजी के सबसे खूबसूरत चर्चेज में से एक है। सेंट फ्रांसिस चर्च को 1894 में आर्मी और सिविल ऑफिसर्स ने मिलकर बनाया था और आज भी इसे बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा जाता है। तो अगर आप भी डलहौजी का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो सेंट फ्रांसिस चर्च भी आपकी विशलिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं डलहौजी को विजिट करने के बेस्ट टाइम की। यूं तो डलहौजी को आप साल भर में कभी भी विजिट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हैं स्नोफॉल के दीवाने तो सबसे बेस्ट मंथ्स आपके लिए जनवरी, फरवरी और दिसंबर रहेंगे। और अगर आप मई जून के महीने में मध्य भारत की गर्मी से बचना चाहते हैं तो मई जून आपके लिए परफेक्ट मंथ यहाँ आने के लिए रह सकते हैं। बस उस टाइम आपको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा क्राउड मिलेगा। और अगर आपको बिल्कुल यहाँ ऑफ बीट में घूमना है, जब आपको हर चीज़ के प्राइस बहुत कम लगे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट मंथ मार्च अक्टूबर रहेंगे। और अगर आप यहाँ जुलाई अगस्त में आने का सोचें तो वेदर फोरकास्ट ज़रूर चेक करें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिशें शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम बात कर लें कि आप डलहौजी में कहाँ रुक सकते हैं, डलहौजी में आपको बहुत से होटल्स मिल जाएंगे जिनको आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन बुक कर सकते हैं। अगर आप पीक सीज़न में यहाँ आ रहे हैं तो आपको होटल्स ऑनलाइन ही बुक करने चाहिए, और ऑफ सीज़न में आप यहाँ बारगेन करके होटल्स बुक कर सकते हैं, जो आपको लगभग 1000 से 2000 रुपये तक पर डे पर नाइट के लिए मिल जाएंगे। डलहौजी में एक और जगह जिससे आप कवर कर सकते हैं वो है पंचपुला, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों, ये था हमारा खूबसूरत सफ़र डलहौजी का, और आने वाली वीडियोस में हम आपको चंबा और खजियार भ्रमण पे भी लेके चलेंगे और कंप्लीट गाइड बना के बताएंगे कि अगर आप 5 से 6 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप इन सभी जगहों को कैसे कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा डलहौजी का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जब भी हम अगली वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर अभी भी आपके मन में डलहौजी को लेके कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम सभी का आंसर करने की कोशिश करेंगे, वरना आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं।